टू पैक है, फुल टू पैक, फुल पैक है गाड़ी, फुल नहीं फुल टू पैक है भैया। देखो डॉगी बाय बाय करने आया है ना, बाय करने आया है डॉगी। हाँ बाय डॉगी, बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं अपने नए सफर के लिए। डेली लाइफ से थोड़े से बोर हो गए, एक नए सफर पे जा रहे हैं। जयपुर की टूर है, सुबह के 4:30 हैं और हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, अपनी गाड़ी पूरी पैक कर दी है, डिक्की भी पैक है, पीछे की सीट भी पैक है और सुबह सुबह हाईवे पे निकल चुके हैं। एक्चुअली ये सफ़र जयपुर, उसके बाद कोटा, फिर उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बीच में चित्तौड़गढ़ वगैरह होते हुए प्लान की गई है। ऑलमोस्ट फुल राजस्थान का टूर है और सुबह सुबह की ट्रैफिक हमें मिलती हुई, इस वाले हाईवे पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, ट्रक्स बिना लाइन के चलती हैं, कोई सिस्टम नहीं है इनका। तो हमने पहला ब्रेक लिया, चाय ब्रेक, सुबह सुबह ठंडी ठंडी मौसम में चाय का अब नहीं मज़ा है, ये चाय हम खुद साथ में लेकर आए थे। आफ्टर टी ब्रेक वी आर नाउ ऑन अगेन द हाईवे और हम चलते जा रहे हैं। ऑन द हाईवे पे आप सीनरी का मजा लेते रहो, ये अरावली की पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी है हमारे दाई तरफ और हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मन्नत देख के मैं याद आया कि एक और टी ब्रेक लेनी चाहिए और थोड़ी बॉडी स्ट्रेच कर लेनी चाहिए। मैंने सोचा मैं इसी बहाने कुछ वॉशरूम वगैरह हो जाऊँ, फ्रेश हो जाऊँ और चाय वाय हो जाएगी। हम लोग रुके कहाँ पे? मन्नत क्यों रुके हैं? चाय पिए, कॉफी पिए, घर पे अभी तो शुरू हुआ है, नीचे जाना चाह रही है, इतनी जल्दी घर जाने का ना। तूने मन्नत में चाय वाय पीने के लिए और आफ्टर टी वी आर अगेन ऑन द हाईवे और चले चलो हाईवे पे। जयपुर से दिल्ली की डिस्टेंस अराउंड 270 किलोमीटर की है और ये हमें एक स्टेज में पूरा करना था, बट चाय तो चाय है यार। अरे ये कौन सी गाड़ी है, वेगनार 7-सीटर आ गई क्या मार्केट में? ये कब आई वेगनार 7-सीटर? ओहो हो, सॉरी 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 महिंद्रा, ये तो स्कॉर्पियो एन लग रही है मुझे, लाइट सेम है यार जैसा वेगनार का था वैसा ही लग रही है। तो यार फिर से ट्रैफिक, बहुत ट्रक चलते हैं यार और ये ऐसे चलते हैं, ये उड़ेगा इधर वो उड़ेगा उधर। लो भाई अपन अकेले हो गए, माँ बेटी को स्ट्रेच करनी थी बॉडी, ये दोनों पीछे चले गए, वो दूध दूध पी लेगी, खेलेगी कूदेगी, चलो अकेला ही चलना भैया। ओ भाई ओ भाई, ऐसे लटक के जाओगे हाथ छूटे तो क्या होगा? ये जीप वाले पहले अंदर भरते हैं फिर बाहर भरते हैं, क्या तरीका है। ओ वाह क्या सीन है यार, सीधा एकदम स्ट्रेच है ये तो, स्ट्रेट रोड पे एकदम, क्या लुक आ रहा, दोनों तरफ अरावली की पहाड़ियां है, बीच में गाड़ी जा रही है। ओ भाई साहब ऐसे झटके से निकालोगे क्या? वाह ये सीन भी अच्छा है यार, ये डैश कैम से एक्चुअली मैं शूट कर रहा हूँ। ये पहाड़ बड़े सुंदर है, छोटे छोटे पहाड़ है, अभी तो पहाड़िया बोल सकती उसको आप। डैश कैम की क्वालिटी भी सही आ रही है, ये आया एक अच्छा सा टर्न, देखने में सुंदर प्यारा सा, ओ अगेन एक टर्न, बढ़िया यार ये रोड बहुत अच्छी है। आप दिल्ली से जयपुर जाओगे सड़क बहुत अच्छी है, लेकिन बस वही है ट्रक्स काफ़ी हैं और वो थोड़े से अनवांटेड वे में चलते हैं, आपको संभल के चलना पड़ेगा। तिरंगा यात्रा, अच्छा बोर्ड लगा है, अजमेर का बोर्ड लगा है, ये दिल्ली से जयपुर के बाद, मुझे लगता है जयपुर सिटी की एंट्री के पहले का है ये, मेरे लेफ्ट साइड में कोई होटल है शायद, बढ़िया सा। हम सिटी के अंदर आ चुके हैं, ये सामने रहा जयगढ़ का फोर्ट, जयगढ़ का फोर्ट का लुक आ रहा है बहुत ही शानदार, इसका मतलब हम आमेर फोर्ट के पास पहुंच गए हैं। वो देखो आमेर फोर्ट दिखना शुरू भी हो चुका है, गाड़ी से शायद पीछे लुक ना आए, ये हम कल विजिट करेंगे वो। वाव 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 व्हाट अ लुक, ओहो शानदार जबरदस्त एकदम टॉप क्लास, बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया है यार, ये देखने लायक है। अब जितना टाइम दो यहाँ बैठ जाओ अच्छे लगेगा, पास में तालाब है, तालाब बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा लगता है। कट पीस टॉप पीस, हाथी राजा ओ प्यारे हाथी राजा, हाथी राजा चले गए,
ओ भाई साहब, सामने अंकल खड़े हैं पुलिस वाले, हाथ दे रहे। क्या हो गया? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, क्या हो गया बाहर जाइए। तो अंकल कंफ्यूज थे कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। मैंने बोला मैंने लगा रखा है। फिर बोला मैडम ने लगाया, उसने भी बोला मैंने लगा रखा है। एक्चुअल रेड बॉल बैट की हमने वो सीट बेल्ट में कवर लगा रखी है। वो देख के अंकल बेचारे कंफ्यूज है, वो परेशान हो रहे हैं कि शायद ये ऐसे ही घूम रहे हैं बेबी लेके बिना सीट बेल्ट का। सर हम सेफ्टी से काफ़ी चलते हैं, ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल राइडिंग एंड ऑलवेज वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ये तो हमारा कमान है। गल भी चलते हैं तो लेके चलते हैं। आमिर से हम आगे बढ़ रहे हैं जल महल की तरफ, और काफ़ी सुंदर नज़ारा सड़क का, दोनों तरफ पहाड़ है छोटे छोटे, कटिंग बहुत अच्छी लग रही है। वाह, चंबल की घाटियाँ लग रही है तो मस्त। ये एक एंट्री गेट आ गई, यहाँ पोल बोलते हैं सड़कों को, ये दरवाजों को, जैसे दिल्ली में दरवाजे हैं कश्मीरी गेट, आमेर गेट, अजमेरी गेट, वैसे यहाँ पोल है। ये देखो जलमहल, अभी हम आपको गाड़ी से ही दिखा रहे हैं क्योंकि हमें होटल जाना है। बेबी के साथ हम चल रहे तो लंबा स्ट्रेच नहीं ले सकते, थोड़ा रुक रुक के जाना होता है। दोपहर होने वाली है, गर्मी पड़ने वाली है, होटल पहुँचेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर शाम में निकलेंगे। फिर से एक हाथी राजा रे, बड़े मस्त चाल में चल रहे भैया। ओहो ओहो आहा, ये आ गए हम होटल। ये सामने राइट हैंड पे हमारा होटल है, होटल माइलस्टोन 251, लेकिन दिल्ली से दूरी 270 किलोमीटर है। ये 251 कहाँ से भाई? अच्छा, ये गुड़गांव वाले को बुलाते हैं क्या कि हमारे होटल में आओ? नहीं भाई, दिल्ली वाले भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अगर होटल की सर्विस अच्छी रहेगी तो हम भी दोबारा आएंगे, ये तो चेक करने की चीज है। तो होटल माइलस्टोन 251 पहुंच गए भैया। ब्रेकफास्ट तो हम बाहर से करके आए थे, पूजा तो कुछ खाई भी नहीं, सो गई है, तो मैंने अपने लिए कुछ मंगाया है, यूनिवर्सल चीज चाइनीज, और इस रेस्टोरेंट में कुछ नॉनवेज आता नहीं, तो पनीर चिल्ली। तो भाई समझौते के तौर पे हमने मंगाई पनीर चिल्ली, लेकिन समझौता ही हुआ, न टेस्ट लगा न मुझे क्वांटिटी समझ में आई। चलो करते हैं कुछ। तो ये है पनीर चिल्ली। भैया होटल में रुक लो, खाने के लिए बाहर निकल जाया करो, अभी दोपहर हो रही है। ये देखो भाई साहब, ये देखो चिलचिलाती हुई गर्मी हमारे होटल के विंडो से बाहर की, डिजिटल धूप निकली है, डिजिटल धूप एकदम से गर्मी बाहर की। कर्टन को करते हैं फिर से बंद, और भैया अपना घर अंधेरा ज़्यादा अच्छा। ये देखो ये सोना चल रहा, सोना, और हमने अपना जुगाड़ कर रखा है, बड़ा सा चीरा लेके घूम रहे हैं। वैसे आपको रूम टूर तो पूजा देगी अगले एपिसोड में, लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा ना अपना कमरा दिखा देता हूँ। ये माइलस्टोन 251 के सेकंड फ्लोर का कमरा है। कमरे के स्टार्टिंग में एक बड़ा सा मिरर है जिसमें ग्लासेस लगे हुए हैं। एक्चुअली इन्होंने मिरर काफ़ी लगा रखा है, हर जगह लगा रखा है। ये वॉशरूम है हमारा, नीट एंड क्लीन है, साइज भी ओके है, मिरर काफ़ी बड़ा है तो वॉशरूम बड़ा लगता है, इल्यूजन इफेक्ट। ये हमने सामान भी खेल रखा है, ये हमारा सूर्य है, टीवी दे रखा है, कमरा काफ़ी बड़ा है, एम्पल साइज है। इस वीडियो को फिर खत्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब और लाइक अगर अच्छा लगे तो। गुड नाइट।